हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ एकदम अच्छे हो, आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी एकदम अच्छी हो जाऊँ, क्योंकि मैं एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छी हूँ। मैं कल से बोल रही हूँ, मेरी आँख नहीं ठीक है और आँख में बहुत दिक्कत हो गई है। तो आप लोग प्रार्थना करिए मेरी आँख जल्दी से ठीक हो जाए, बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब आँख से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैंने कभी भी इतनी दिक्कत आँख से नहीं देखी होगी। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किसी तरह उठ के बालू को तैयार करके स्कूल भेजा है, बस बहुत ज़्यादा को दिखता नहीं है ना, उसको कैसा महसूस होता होगा। और मुझे इस सांस से बहुत दिक्कत हो रही है, दिख भी नहीं रहा है और आपको दिख भी रहा होगा मेरी आंखें कैसी दिख रही है। चलिए फिर, ब्लॉग तो नहीं कर पाऊँगी लेकिन जो थोड़ा बहुत बनाऊँगी वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी मैं दिखाने भी जाऊँगी डॉक्टर को, बहुत दिक्कत है, इसीलिए आज ये ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे दिखाना है। मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कल मैं पूरा दिन आराम करी आपकी वजह से और अभी भी मेरी आँख एकदम से नहीं ठीक है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। छोटी बड़ी आँख हो गई है। नवाब जस्ट क्या मतलब 15 मिनट पहले डाला था, थोड़ी देर आराम करके लेटे थे। मैंने कहा अभी कल भी नहीं कुछ कर पाए तो आज हम थोड़ा बहुत ब्लॉग बना के डाल देंगे, जैसे मेरा देखने में अजीब सा, लेकिन अब क्या करें। आप नहीं आज नहीं, आज काम तो रोज ही कराया था, काम से कभी छुट्टी है। बहुत खींचने पे खुल रही है, बहुत खींचने पे इतनी खुली है, नहीं तो भी बंद ही थी। आज लाल बस कम है और खुजली कम हो रही है, बहुत जबरदस्ती मैंने इतना खोला हुआ है ऐसे ही करके। रुको ना, रुको बताओ के नीचे रख क्या करो। ओ ठीक है मम्मा। हेलो फ्रेंड, लगता है ना कि कोई बीमारी है जो चली है इस समय। मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गई, कुछ ऐसा मतलब खाती पीती भी नहीं हूँ, या फिर एलर्जी वगैरह हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या है, इससे इसमें भी हो रहा है, इसमें भी आज से शुरू हो गई खुजली, इरिटेशन सी, और इसको भी दिक्कत होने लगी। तो लग रहा है कुछ दिन मुझे रेस्ट ही करना पड़ेगा, अब ये ब्लॉग वगैरह नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत कष्ट में है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत कष्ट में हूँ, इतना दर्द जलन हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़बरदस्ती हो रही हूँ, कल भी मैंने कुछ नहीं करा इसीलिए आज कोई ब्लॉग नहीं गया। मैंने कहा आज कोशिश तो करेंगे कुछ करूँ, कुछ तो करूँ कि आप लोगों तक कुछ पहुँचाती रहूँ। हाँ बेटा, मेरा पायल खुल गया था, लाओ ये मेरा पायल। ना नया नया लग रहा है ना, अगर मैं अपने ससुराल में होती तो ये पायल, ये अगर यहाँ नया नया लग रहा है, अगर मैं अपने ससुराल में होती तो ये पायल लोहे का लगता, आयरन का लगता, एकदम काला काला हो जाता। पता नहीं वहाँ का पानी ऐसे, क्योंकि हमारे घर के पास में ही है ना शुगर मिल, तो इस वजह से शायद ऐसा होता है। वहाँ का पानी मेरे पीछे से जाता है, मेरे घर के पीछे से जाता है,
शुगर मिल का जो भी वो वेस्ट वाला होता नहीं है तो वो सब जाता है, तो पूरा ये काला काला हो जाता। वहाँ का पानी बहुत ख़राब है, मतलब वहाँ पायल वगैरह पहन लो तो लोहे का हो जाएगा, मतलब ब्लैक हो जाएगा, इसलिए लोहे का कह रहे हैं। और अभी यहाँ पे जैसे लग रहा है नया ही है, नया एकदम, जबकि बहुत पुराना हो गया, नया नहीं है, बहुत अच्छे से रखा है। बहुत दिक्कत हो रही है भगवान जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि छोटा मोटा ही ब्लॉग दूंगी, लेकिन 4-5 मिनट का ही दूंगी वीडियो, लेकिन दूंगी ज़रूर चाहे जैसा रहे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगता है तभी मैं करती हूँ। मुझे चाहिए कि मेरी आँख ठीक हो जाए और ये नट ख़राब हो, क्योंकि हल मतलब वो क्या बोलते हैं, दिख तो रहा है कि ये भी ख़राब होने वाला है, लेकिन ये हो ना ख़राब और ये वाली आँख ठीक हो जाए। प्रेयर करिएगा मेरे लिए, प्रार्थना करिएगा मेरे लिए कि मेरी ठीक हो जाए आँख। और फिर आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं, भगवान करे ठीक हो जाए, खुली आँखों से मिलते हैं और मेरा भाई देखकर मुझे कहेगा कहानी कहानी। मेरा भाई नहीं, मेरे घर में सब लोग, मेरे जितने मतलब मेरे बड़े भैया लोग जो हैं, ताऊ जी क्या, सब मुझे कहानी कहानी कहेंगे। ऐसी आँख देख लेते तब तक तो पूरा मोहल्ले में सब चिल्लाने लगते हैं हमको। आप कहते हैं क्या हुआ, ए कहानी हो गई, ए कहानी हो गई। बचपन में सब मुझे चाहते ही थे, मुझे वो जो बिल्ली बहुत निकलती थी ना बचपन में, तो सब मेरी आँख बंद हो जाती थी, मुझे बहुत निकलती थी, मैंने इसकी दवा कराई थी बिल्ली की, तो सब लोग मुझे कहानी कहानी कहते थे। चिड़ा तब बहुत चिढ़ते थे, लेकिन अब चिढ़ते नहीं हैं किसी बात से, अब चिड़ना मतलब चिड़न होती ही नहीं है किसी चीज़ से, बचपन में सबको होती है, थोड़ा सा भी कोई कुछ कह दे तो चिढ़ जाओ, ऐसा क्यों कह दिया, अब नहीं होती। चलिए तो फिर अब आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, मुझे सपोर्ट करिए। सो थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, गुड नाइट।